वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरोफियत से होंगे, मजे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज बारिश भी खूब हुई है, आज मौसम जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा अच्छा भी बना हुआ है और खराब भी कह सकते हैं इसे। सुबह की बारिश हो रही है, तकरीबन आज 7 घंटे बारिश हुई है, 7 घंटे से भी ज्यादा। 4 बजे की बारिश हो रही है, 4 बजे की सुबह, 4 बजे की बारिश हो रही है, सुबह 4 बजे की बारिश हो रही है। तो सुबह बड़ी मुश्किल जो है ना, मैं छोड़कर आया हूँ ये मैडम शाजिया को बारिश में। तो मैं तो लेट के ही हूँ ना, 7:15 सारे 6:30 बजे के आके बैठे बारिश में। बारिश में भी लोग चले जाते हैं, प्राइवेट जॉब है ना, वो लोग कहते हैं कि हमारी जॉब ना छोड़ जाए। टीचर सारे गए हुए थे, बच्चे भी टोटली बच्चे आए थे, टीचर तो गाड़ियों में चले जाते हैं। बच्चे भी सारे आए थे, बच्चों ने भी गाड़ियों में जाना है। दूसरे लोगों ने वो जो मसला तो आम जो है वर्कर के लिए है ना, वर्कर अपना वो उन्होंने ब्रांडियां पहनी हुई थी, वो जो जिनसे कपड़े नहीं भीगते। बरसाती, हाँ बरसाती मेरी भी पड़ी है, वो भी निकाल के रखना, पता नहीं किधर है वो बरसाती। तो आज आपको बाहर का थोड़ा सा मौसम भी दिखाते हैं। और यहाँ पे जब मैं सुबह छोड़ने के लिए गया था तो ये देखे मेरा ये अभी भी ट्राउजर मैंने इधर लटकाया हुआ है, मुकम्मल ये सारा गीला हो गया था। और ये मेरी शर्ट है, इसके बाद दोबारा मैंने ये वाली निकर पहनी थी, ये मैं नाश्ता लेने के लिए गया था बाजार, और ये भी दोबारा फिर से सारी गीली हो गई है। दूसरी शर्ट जो है मेरी वो उधर पड़ी है, मैंने उधर दीदी ने रख दी है, ये भी सारी गीली है। तो इतनी बारिश हुई है, आए आपको बाहर से दिखाते हैं। क्या मैंने रखी, तो ये मैं आ गया हूँ राहुल के कमरे में, सामने विंडो है, विंडो से ही आपको दिखा देते हैं बाहर का मौसम। छत पे तो मैं जा नहीं सकता, अभी भी यहाँ पे देखें बारिश हो रही है गली में। ऊपर का नज़ारा देख लें, इस साइड पे देखें, गाइस बारिश आज बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है, सड़कों पे भी बहुत ज्यादा पानी रुका हुआ था। तो राहुल भी जो ऊपर चली गई है, वो भी सुबह बारिश में गई है, और इतनी जोर से आज बिजली कड़की है, इतनी जोर से कड़की है बिजली, ऐसा लग रहा था जैसे बिजली इधर गिर गई है। कैमन आज कितनी जोर से बिजली की आवाज आई थी, ऐसा लग रहा था जैसे बिजली इधर गिर गई है। आपको आई थी स्कूल में आवाज, उधर इधर तो 3 दफा ऐसे घड़ 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 घड़, बहुत ज्यादा बिजली जोर से तेज हुई है, लेकिन बादल बने हुए थे ब्लैक ब्लैक, लेकिन वो नहीं हुई। कैमन मेरी बात सुनो, आज मौसम बड़ा अच्छा है, तो आज फिर चाय पीते हैं, जाओ दूध तो लेके आओ दुकान से, दूध और पत्ती। बस चाय पीनी है, चाय के साथ कुछ और नहीं कुछ करना। वो तुम्हारे पास है ना बिस्किट के पैसे? मेरे पास तो है, लेकिन कुछ और मैं कह रही थी खाने के लिए। वो बनाते हैं कुछ चीज, वैसे तो आज कढ़ी पकौड़े खाने का दिल करता है, कढ़ी ना बना लेते आज, कढ़ी बना लेते हैं, लेकिन उस पे टाइम लगता है, आप मेरी हेल्प करोगे तो बनेगी। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, आज कड़ी बनाते। फाइनली हमने आलू अंडे बना लिए, प्रोग्राम तो था आज कड़ी पकोड़े बनाने का, लेकिन कड़ी पकोड़े हमने नहीं बनाए, टाइम जाया कर दिया सारा, बैठ बैठ के बातें करते रहे तो टाइम गुजर गया। तो इस वजह से अब भूख भी लगी थी और टाइम भी ज्यादा हो गया, तो हमने सोचा फटाफट आलू अंडे बना लें। तो देखे ये कितने मजे के आलू अंडे बन गए हैं। तो अब इसके बाद हमने रोटी बनाने लगी, रोटी बनाओ फिर खाना शाना खाते हैं, चाय बना के हमारा डिनर हो जाएगा आज का मुकम्मल, उसके बाद हमने क्या करना है वो फिर बाद में डिस्कस करते हैं। हमारी दीदी भी यहाँ पे नहा के आ चुकी है, और ये देखें इसने कितनी प्यारी ड्रेसिंग की है, ये फ्रॉक है कि क्या चीज है, मुझे तो इसका पता ही नहीं है, फ्रॉक है। और इसका स्टाइल देखो जैसे बड़ी आंटी होती है, आंटियों वाला स्टाइल है, सर पे टॉवल बैठा हुआ है, और ये मजे के साथ अंडे खा रही है, आलू अंडे के साथ रोटी। क्या कह रही है? हाँ तो कैमन भी कर रहा है इधर डिनर। तो गाइस हमने खाना शाना खा लिया, रज के खाना बहुत ही मजे का था, आलू अंडे बहुत मजे के बने हैं। तो अभी यहाँ पे एक रोटी और बना रही है ये मैडम शाजिया, ये हमारी दीदी कह रही है कि मैंने रोटी और खानी है, क्योंकि सालन इतना मजे का बना है कि सालन बहुत पसंद आया हर किसी को, वो कह रही मजेदार बना। तो मैंने भी जितनी खानी थी रोटी मैं उससे ज्यादा खा गया हूँ, जितनी मेरी भूख थी उससे भी एक रोटी मैंने ज्यादा खा ली है। तो अभी यहाँ पे चाय भी हमारी हो गई है रेडी, तो साथ में चाय पीते हैं, तब तक एक रोटी जो है वो एशलिन के लिए यहाँ पे रेडी हो जाएगी,
जैसे ही रोटी रेडी हो जाती है तो वे ये दे देंगे एशलिन को, एशलिन भी खा लेगी रज के। हाँ दीदी तार दे बस इसको, अब कितनी देर सर पे ये दम दे के रखना है। हाँ खाली रोटी दो मिनट और, जुओं को दम दिया है, जुओं को दम दिया हुआ है। तो खाना भी हमने खा लिया है, चाय भी पी ली है, सारे काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी यहाँ पे कुछ सफाई वगैरह करने वाली है, क्योंकि सफाई के बगैर तो इसे नींद ही नहीं आती। तो आपके लिए ये देखो यहाँ पे सफाई करनी है थोड़ी सी, और कैमन नहाया है, दीदी भी नहाई है, और यहाँ पे सारा इन्होंने यहाँ पे ना पानी आ गया है, सारा कारपेट यहाँ से गीला हो गया है, इसको यहाँ पे वाइपर लगाना है, ये खुश्क हो जाएगा। तो कैमन अभी इधर खेल रहा है अपने कागजों के साथ। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड, और देखते हैं कल का मौसम कैसा होगा, क्योंकि आज तो सारा दिन बारिश होती रही है, शाम के टाइम भी बारिश स्टार्ट हो गई थी थोड़ी सी, लेकिन अभी बादल बहुत ज्यादा है। तो सुबह फिर मैंने स्कूल छोड़ने के लिए जाना है शाजिया को, तो देखेंगे कल भी बारिश में जाएंगे या खुश की जाएंगे। मेरे ख्याल से नहीं होगी। हाँ चलो देखते हैं, चलें जो भी होगा वो कल की डेट में आप लोगों के साथ कल शेयर करेंगे। आज तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपको कल के एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।